कितनी जोर से सुसु आई है, कब घर पहुंचूंगी मैं, लगता है अभी निकल जाएगा। मधु दौड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते वो घर पहुंच गई और फिर बाथरूम में घुस गई। आहा, कितना मजा आता है हल्का होते वक्त। और तभी मधु की नींद टूट गई। असल में मधु इतनी देर तक सपना देख रही थी। नींद टूटते ही उसने देखा कि बिस्तर पर ही उसकी सुसु निकल गई है। हे राम, इसीलिए सपनों में सुसु करते हुए इतना मजा आ रहा था, लेकिन अब क्या करूं, वो जाग जाएंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये सोचकर मधु वहीं पर सोई रही। सुबह उसका पति अनिमेश उठ गया। तब तक बिस्तर सूख गया था, लेकिन सुसु की बदबू अभी तक थी। अनिमेश ने कहा, अरे मधु, ये टॉयलेट जैसी बदबू कहाँ से आ रही है? पता नहीं जी, शायद भोलू ने कमरे के अंदर सुसु कर दी है। भोलू अनिमेश का कुत्ता है। अनिमेश उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन मधु उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसीलिए हमेशा उसी पर इल्जाम डाल देती थी। आज भी वही किया। अनिमेश ने भोलू को बहुत डांटा। भोलू, बहुत बदमाश हो गया है तू। तुझे कितनी बार कहा है कि कमरे में सुसु मत करना? बेचारा भोलू कुछ कह नहीं पाया और चुपचाप डांट सुन ली। अनिमेश ऑफिस चला गया और मधु सोचने लगी, बचपन से मेरी यही प्रॉब्लम है, नींद में मैं बिस्तर पर ही सुसु पॉटी कर देती हूँ। मधु बचपन से ही ये करती आई है। वो जब 5 साल की थी तब एक दिन रात को उसे बहुत तेज सुसु आई। अभी सुसु करने के लिए उठना पड़ेगा, एक काम कर देती हूँ, यहीं पर कर देती हूँ, अभी तो मैं बच्ची हूँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मधु ने वहीं पर कर दिया और ऐसे ही धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। उसकी माँ शकुंतला उसे डांटती थी, बेटा बिस्तर पर ये सब नहीं करते, अब तो तुझे मैं डायपर पहना दूंगी, लेकिन तुझे बड़ी हो जाएगी तब क्या होगा। शकुंतला मधु को हमेशा डायपर पहना कर रखती थी, लेकिन मधु बड़ी होती गई और उसकी माँ ने डायपर पहनाना बंद कर दिया। लेकिन अभी तक मधु की वो बुरी आदत नहीं गई। नींद में उसे सुसु या पॉटी आने पर वो बिस्तर पर ही कर देती है। वो आदत से मजबूर है। सिर्फ 1 महीना हुआ है शादी को, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे पति को मेरी इस बुरी आदत के बारे में पता चल जाएगा। ये सब सोचते हुए दोपहर को खाना खाकर वो सो गई और तभी उसे पॉटी आ गई और बिस्तर पर ही उसकी पॉटी निकल गई। उसकी नींद टूट गई। हे राम, जिस चीज का डर था वही हुआ। तभी उसकी सास सरला कमरे में आ गई। बहू, ये कैसी बदबू आ रही है? अरे, ये बिस्तर पर क्या लगा हुआ है? हे भगवान, बिस्तर पर टट्टी। वो माँ जी, भोलू यहाँ आया था ना, उसी ने किया होगा। हो सकता है, मैंने अनिमेश को पहले ही कहा था उस कुत्ते को घर मत ला, अब भुगतो। चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं साफ कर दूंगी। मधु ने फिर से भोलू पर इल्जाम डाल दिया। तभी भोलू दुम हिलाते हुए कमरे में आया और सरला ने डंडा उठाकर उसे भगा दिया। बेचारा भोलू समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मधु ने बिस्तर साफ कर दिया और बाजार चली गई। मुझे आज ही डायपर खरीदना होगा, आज से मैं डायपर पहनकर सोऊंगी। मधु ने डायपर खरीद लिया। रात को वो डायपर पहनकर सो गई। उसने बड़े आराम से निश्चिंत होकर पूरी रात बिता दी। अगले दिन सुबह अनिमेश ने अलमारी खोला और डायपर देख लिया। अरे मधु, यहाँ पर डायपर कहाँ से आ गया? हमारे घर में तो कोई बच्चा नहीं है। मधु दुविधा में पड़ गई। वो आपके कुत्ते के लिए है जी, बहुत गंदगी कर रहा है आजकल। तभी वहाँ सरला आ गई और उसने कहा, हाँ कल भी बिस्तर पर टट्टी की थी इसने, इसे घर से भगा अनिमेश, नहीं तो पूरे घर में गंदगी फैलाता रहेगा। भोलू, क्या ये सब सच है? भोलू दुम हिलाता रहा। मधु ने कहा, आप उससे क्या पूछ रहे हैं, वो बात थोड़ी कर सकता है। अरे मधु, बात नहीं कर सकता तो क्या हुआ, कुत्ते कभी झूठ नहीं बोलते, इंसानों जैसे नहीं है ये। अनिमेश ने बात को जाने दिया। इस तरह मधु हर रोज डायपर पहनकर सोती रही और हर सुबह उठकर डायपर को नाले में फेंकती रही। कुछ दिन बीत गए, किसी को कुछ शक नहीं हुआ और एक दिन बहुत तेज हवाएं बहने लगी और उसके कारण डायपर उड़ते हुए एक पड़ोसी के सिर पर जा गिरा। डायपर में टट्टी लगी हुई थी। उस पड़ोसी का तो दिमाग ही खराब हो गया। उस पड़ोसी का नाम जानकी था। जानकी के साथ सरला की नहीं बनती थी। जानकी ने गुस्से से कहा, अरे मेरे सर पर डायपर फेंकती है, रुक जा सरला, मैं तुझे बताती हूँ। जानकी सरला के पास चली आई और चिल्लाते हुए कहा, तूने क्या सोचा सरला, तू मेरे ऊपर पॉटी से भरा हुआ डायपर फेंकेगी और मैं चुप रहूंगी? अरे जानकी, ये काम मैंने नहीं किया, ये तो हमारे कुत्ते का काम है। हाँ हाँ, ये कुत्ते ने की है। मुझे क्या उल्लू समझ रखा है, कोई कुत्ता किसी के ऊपर डायपर फेंक सकता है क्या? मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगी। जानकी सच में पुलिस के पास चली गई। सरला के घर में पुलिस आ गई। अनिमेश को भी ऑफिस से लौटना पड़ा। पुलिस ने अनिमेश को बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाई और मधु ने सारा दोष भोलू पर डाल दिया, इसीलिए अनिमेश भोलू पर बहुत गुस्सा हो गया। भोलू, मैं तुझसे बहुत प्यार करता था और आज तेरी वजह से मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा, मैं आज ही तुझे इस घर से निकाल दूंगा। अनिमेश ने भोलू को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारे भोलू की आंखों में भी आंसू आ गए। वो घर से ज्यादा दूर नहीं गया, पास में ही रहने लगा। अनिमेश ने कहा, मैं आज ही सारा डायपर बाहर फेंक दूंगा।
हे राम, डायपर के बिना तो मेरी पोल खुल जाएगी। मधु अनिमेश को मनाने की कोशिश करने लगी। नहीं जी, रहने दीजिए ना, बाद में काम आ जाएगा। नहीं, इस डायपर की वजह से घर में पुलिस आई है, मैं इसे फेंक दूंगा। अनिमेश ने वही किया। मधु चिंता में पड़ गई। उस रात मधु बहुत मुश्किल से जगी रही। मैं नहीं सो सकती, सोते ही मेरी सुसुया पॉटी निकल जाएगी। ऐसे दो तीन दिन तो मधु जगी रही और एक रात को उसकी आंख लग गई और आंख लगते ही जिसका डर था वही हुआ। उसने बिस्तर पर सुसु और पॉटी एक साथ कर डाला और तभी बदबू से अनिमेश की नींद खुल गई। ये क्या, अब तो भोलू भी यहाँ पे नहीं है, तो फिर ये किसने किया? मधु अब रो पड़ी, वो और छुपा नहीं पाई। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। असल में मुझे बचपन से ये रोग है, मैंने आपको बताया नहीं। मतलब ये सब तुम कर रही थी और डायपर भी इसलिए खरीदा था और तुम सारा इल्जाम भोलू पर डाल देती थी? हाँ, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तुमको तो मैं बाद में देखता हूँ, अभी मैं पहले भोलू को ढूंढने जाऊंगा। अनिमेश रात को बाहर निकल गया। वो भोलू को ढूंढने लगा। भोलू, कहाँ है तू? भोलू! भोलू को ढूंढते हुए अनिमेश रास्ते से चलने लगा, लेकिन उसका ध्यान रास्ते में नहीं था। अचानक से दूसरी ओर से एक गाड़ी आई। वो गाड़ी अनिमेश को धक्का मारने जा रही थी कि तभी भोलू कहीं से दौड़ता हुआ आया और अनिमेश को जोर से एक धक्का दे दिया। अनिमेश थोड़ी दूर जा गिरा और वो गाड़ी भोलू के पैर के ऊपर से चली गई। भोलू जख्मी हो गया। भोलू, मेरा भोलू, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। अनिमेश भोलू को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब ने भोलू के पैर में प्लास्टर लगा दिया। सरला और मधु भी वहाँ पहुँच गयी। देखा मधु, तुमने मेरे भोलू के साथ क्या किया, तुम्हारी झूठ की वजह से ये सब हुई है। आज भोलू ने मेरी जान बचाई। मुझसे गलती हो गई है, मुझे आपसे मेरी बीमारी की बात नहीं छुपानी चाहिए थी, तो आज ये सब नहीं होता। कोई बात नहीं बहू, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, हम तुम्हें एक अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मधु डॉक्टर के पास गई और उसकी बीमारी ठीक भी हो गई। भोलू भी ठीक हो गया। मधु भोलू से प्यार कर बैठी और ऐसे ही सभी खुशी से रहने लगे। पता नहीं इस नरक में मुझे और कितने दिन गुजारने पड़ेंगे। हे दुर्गा माँ, क्या मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? ये कहते हुए बिमला जोर जोर से रो पड़ती है। बिमला की उम्र 70 साल है और इस उम्र में उसे बिना जुर्म के जेल में सजा भुगतनी पड़ रही है। इस बात से बिमला बहुत दुखी है। इन सब की शुरुआत आज से 1 साल पहले हुई थी। बिमला के 3 बेटे राम, श्याम और माधव शहर में काम के सिलसिले में जाकर 3 लड़कियों से प्यार कर बैठे। वो तीनों बहनें थी, गीता, सीता और राधा। गीता, हम 3 भाई और 3 बहनें एक ही घर में रहेंगे शादी के बाद, सोचो कितना मजा आएगा ना। हाँ, जल्दी जल्दी शादी कर लेते हैं। लेकिन माँ को बताना पड़ेगा पहले। उसकी क्या जरूरत है, हम शादी करके चलते हैं, माँ को बताने की जरूरत ही नहीं है। राम ने गीता की बात मान ली और तीनों भाइयों ने बिमला को कहे बिना शादी कर ली और फिर वो तीनों अपनी बीवियों को लेकर घर चले आए। माँ, हमने शादी कर ली है। बिमला चौंक गई। उसे दुख तो हुआ लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा किया बेटा, तुम तीनों ने तो मेरा काम आसान कर दिया। बिमला ने तीनों बहुओं की आरती उतारी और घर के अंदर बुलाया। रात को बिमला सो गई, तब तीनों बहनों ने अपने मायके में कॉल किया। हेलो माँ, हम आ गए हैं। उनकी माँ का नाम सुमित्रा था और पिता का नाम अभिमन्यु सिंह। अभिमन्यु पुलिस में बड़े ऑफिसर थे। सुमित्रा ने अपनी बेटियों से कहा, देखो बेटी, अपनी सास को सर पर मत चढ़ाना, अपने पतियों को अपने पल्लू से बांध कर रखना। तुम चिंता मत करो माँ, वो सब हम जानते हैं, ये तीनों अच्छी नौकरी करते हैं, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। हाँ, उसके बाद तो हम वापस लौट जाएंगे। गीता, सीता और राधा के मन में कुछ और चल रहा था। वो तीनों सिर्फ पैसे चाहते थे। बिमला के तीनों बेटों से पैसे लेकर वो तीनों भागना चाहते थे। अगले दिन राम, श्याम और माधव ऑफिस चले गए और तब तीनों बहनें एक कमरे में बैठकर प्लान बनाने लगी। सुनो तुम दोनों, हम ज्यादा देर नहीं कर सकते, इन तीनों से कैसे भी करके सारी जायदाद खुद के नाम करनी होगी और फिर तीनों को लात मारकर यहाँ से भाग जाना होगा, फिर तो लाइफ सेट है। लेकिन तभी वहाँ पर बिमला चली आई और उसने सब कुछ सुन लिया। अच्छा, तो तुम लोगों का ये प्लान है, रुको आज मेरे बेटों को आने दो घर, मैं सब कुछ बता दूंगी। ये सुनकर वो तीनों चिंता में पड़ गई। उन्होंने अपनी माँ को कॉल लगाया। सावित्री ने उनसे कहा, एक काम कर, बुढ़िया के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दे, तेरे पिता तो पुलिस में है, उसे जेल में बंद करके रखेंगे। ये आइडिया तीनों को पसंद आया। दोपहर को बिमला जब नहाने गई
तब गीता ने चुपके से अपने गहने बिमला के बिस्तर के नीचे रख दिए। बिमला के तीनों बेटे शाम को घर लौटे और गीता ने रोना धोना शुरू कर दिया। क्या हुआ गीता, क्यों रो रही हो? मेरे गहने नहीं मिल रहे हैं, मुझे घर की तलाशी लेनी है, मेरे सोने के गहने। राम कुछ कह नहीं पाया। गीता बिमला के कमरे में गई और बिस्तर के नीचे से गहने निकले। मैंने ये नहीं किया है, ये एक साजिश है बेटा। तुम तीनों मुसीबत में हो, मेरी बात मानो, इन तीनों को बाहर निकाल दो। दुर्गा माँ की कसम, मैंने ये नहीं किया। लेकिन उसके बेटों ने बात नहीं सुनी। उन लोगों ने बिमला को पुलिस के हवाले कर दिया। बिमला को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल के अंदर घुसा दिया गया। बिमला घर से बस दुर्गा माँ की एक छोटी सी मूर्ति ले गई और मूर्ति के सामने बैठकर रोती रही। हे दुर्गा माँ, ये क्या हुआ? मेरे बेटों की रक्षा करना दुर्गा माँ, वो तीनों लड़कियाँ मेरे बेटों की जिंदगी खराब कर देंगी। एक माँ ही खुद मुसीबत में होकर भी अपने बच्चों के लिए दुआ मांग सकती है। बिमला एक असली माँ है। स्वर्ग से दुर्गा माँ सब कुछ देखने लगी और अपने आप में ही कहने लगी, बिमला मेरी कृपा पाने के लिए तुझे और भी परीक्षाएं देनी होंगी, तू तैयार हो जा, मैं तेरे पास जरूर आऊंगी। उधर गीता के पिता अनुभव सिंह ने जेलर साहब से कहा, इस बुढ़िया पर ऐसा केस बनाओ कि ये मरने से पहले आजाद ना हो सके और इस पर हर रोज अत्याचार करो ताकि ये जल्दी मर जाए। आप चिंता मत करिए साहब, जैसी आपकी मर्जी। बिमला पर अत्याचार शुरू हुआ। उसे दो दिन खाना नहीं दिया गया। वो भूख से तड़पने लगी। खाना, खाना, मुझे भूख लगी है, खाना। तभी जेलर साहब खाना ले आए। क्या रे बुढ़िया, खाना चाहिए तुझे? हाँ हाँ, खाना चाहिए। जेलर साहब बिमला के सामने खाना ले गए और खाने को बर्तन से जमीन पर गिरा दिया। अगर खाना चाहिए तो कुत्तों की तरह खा। बिमला को इतनी जोर से भूख लगी थी कि उसने जमीन से ही खाना उठाकर खाना शुरू कर दिया। ये देखकर जेलर साहब हंसने लगे। रात को बिमला सो गई और तब जेलर साहब फिर से वहाँ आए। उनके हाथ में एक डंडा था। वो डंडे से बिमला को मारने लगे। आह, आह, क्या हुआ साहब, मुझे क्यों मार रहे हैं? आह, क्योंकि तुझे मार की जरूरत है। बिमला जोर जोर से चिल्लाने लगी। ऐसे ही दिन बीतने लगे, लेकिन इन सब के बावजूद बिमला एक काम करना नहीं भूली। वो हर रोज दुर्गा माँ की पूजा करती रही। ये सब क्या हो रहा है दुर्गा माँ, क्यों हो रहा है? मुझे शक्ति दीजिए दुर्गा माँ, ये सब सहने की शक्ति दीजिए। बिमला रोती रही। उधर उसके तीनों बेटे अपनी बीवियों को लेकर खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। एक दिन गीता ने राम से कहा, सुनो ना, मैं सोच रही थी कि तुम्हारी माँ इतनी गंदी है, मेरी अलमारी से गहने चुराती है, तो अगर अभी तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरा क्या होगा? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब तुम्हारी माँ सारी जायदाद खुद ले लेगी और फिर मुझे भीख मांगना पड़ेगा, उससे अच्छा तुम अपनी सारी जायदाद मेरे नाम लिख दो। नहीं गीता, ऐसा कुछ नहीं होगा, और माँ तो अभी जेल में है। राम ने गीता की बात को टाल दिया। गीता भी चुप हो गई। उधर बिमला के ऊपर अत्याचार चलता रहा। जेलर साहब बिमला को रोज मारने लगे। उसे खाना नहीं दिया गया। एक दिन सजा के तौर पर जेलर साहब ने बिमला को बाहर खुले में ले जाकर रस्सी में बांध दिया और तभी जोर से तूफान और बारिश होने लगी। बिमला हाथ जोड़कर दुर्गा माँ को बुलाने लगी। हे दुर्गा माँ, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। बारिश से बिमला पूरी तरह भीग गई। उसकी तबीयत खराब हो गई, वो बीमार पड़ गई। फिर भी बिमला का इलाज नहीं किया गया, वो और बीमार पड़ने लगी। वो अपने जेल के कमरे में सोकर अपने ही मन में बातें करने लगी। बेटा, बेटा, ये क्या किया तुम लोगों ने, मुझे चोर बना दिया, ये लोग मुझे खाने नहीं देते, बेटा खाने नहीं देते। तभी एक चमत्कार हो गया। तभी बिमला ने देखा कि एक एक करके 9 छोटी छोटी बच्चियां उसके सामने आई। सबके हाथ में बहुत अच्छा अच्छा खाना था। बिमला चौंक गई। अरे तुम लोग कौन हो? हम लोग आपके अपने हैं, ये लीजिए खाना खाइए। खाना देखकर बिमला ने देर नहीं की, वो खाने लगी। खाना खत्म होते ही उसने देखा कि 9 बच्चियां गायब हो चुकी हैं। उसे काफी ताज्जुब हुआ। तभी जेलर साहब खाना लेकर अंदर आए। ए बढ़िया, ये ले खाना खा ले, 2 दिन के अंतर अंतर तुझे खाना मिलेगा, तुझे जिंदा भी तो रखना है। नहीं जेलर साहब, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है मतलब? बिमला ने और कुछ नहीं कहा। जेलर साहब खाना लेकर चले गए। कुछ तो गड़बड़ है, बुढ़िया को कहीं से खाना तो नहीं मिल रहा है, नजर रखना पड़ेगा। उधर गीता सीता और राधा के कई बार कहने के बावजूद राम श्याम और माधव ने जायदाद उनके नाम नहीं की। इसकी वजह से वो तीनों गुस्सा हो गए। नवरात्रि आने वाली थी,
तीनों ने प्लान किया, नवरात्रि से पहले वाली रात को हम तीनों डंडे से उन तीनों के सिर के पीछे वार करेंगे, उसके बाद उन तीनों की उंगली का छाप डलवा लेंगे कागज पर और फिर यहाँ से चले जाएंगे। तीनों ने प्लान बना लिया। वहाँ बिमला को 9 बच्चियाँ हर रोज खाना देने लगी। बिमला खाती रही, उसकी तबीयत ठीक हो गई। नवरात्रि से पहले वाले दिन शाम को बिमला दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। हे दुर्गा माँ, मुझे पता है कि ये सब आपकी ही कृपा है। जय दुर्गा माँ, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, लेकिन अफसोस इस बार मुझे जेल में नवरात्रि मनानी पड़ेगी। तभी 9 देवियाँ वहाँ चली आईं और उन्होंने बिमला को खाना दिया। बिमला खाने जा ही रही थी कि तभी जेलर साहब वहाँ गए। हाँ, पकड़ लिया बुढ़िया को। ए बुढ़िया, तुझे ये खाना कहाँ से मिला? इन बच्चियों ने मुझे दिया है साहब। बच्चियों ने? किन बच्चियों ने? बिमला को 9 बच्चियाँ दिख रही थी, लेकिन जेलर साहब को कोई नहीं दिख रहा था। मुझे बेवकूफ समझा है? हाँ, ये ले। ये बोलकर जेलर साहब ने बिमला को मारने के लिए डंडा उठाया, लेकिन तभी 9 बच्चियाँ गायब हो गई और उसकी जगह पर स्वयं दुर्गा माँ प्रकट हुई। जेलर साहब चौंक गए। ये क्या, माँ, दुर्गा माँ? जेलर साहब हाथ जोड़कर बैठ गए। मुझे पता है कि तुझे जो कहा गया है तू वही कर रहा है, लेकिन बिमला की कोई गलती नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है, उसे छोड़ दे। दुर्गा माँ ने जेलर को सब कुछ बताया। जेलर साहब ने बिमला को छोड़ दिया और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर घर की ओर चल पड़े। उधर घर में तीनों बहनें डंडा लेकर तैयार थी। वो राम, श्याम और माधव के सर पर वार करने जा ही रहे थे कि तभी जेलर साहब और बिमला वहाँ आ गए। दोनों ने तीनों बहनों को रोक लिया। ये देखकर बिमला के तीनों बेटों की आंखें खुल गईं। तीनों ने बिमला को गले लगा लिया। तीनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर अनुभव सिंह और सावित्री को साजिश करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और बिमला को मुक्ति मिल गई और बिमला ने अपने तीनों बेटों के साथ खुशी से नवरात्रि मनाई।